हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कसैली मार्केट से। मॉर्निंग का समय है और एकदम ठंडी वाली सुबह है क्योंकि रात से हो रही है लगातार बारिश। मैं एक बार माहौल दिखाता हूँ आप लोगों को। फ्रेंड, मॉर्निंग का समय है। फिलहाल मैं हूँ कसैली मार्केट पर, दूध देने के लिए आया था दूध डेयरी। बाकी ना रात से ही बारिश हो रही है और वेदर देखिए मुक्तेश्वर का, पूरा बर्फ़ वाला सीन बना हुआ है। मैं भी ना घर से बस पहुंच ही रहा हूँ दूध डेयरी, छाता लेके आया हूँ क्योंकि बारिश तेज़ है, साथ में मेरी दूध की बाल्टी। कल रात से ही फ्रेंड काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है हमारे क्षेत्र मुक्तेश्वर पे और काफ़ी ठंड हो रही है। सुबह के समय में लगातार बारिश है। दोस्तों, सामने का मौसम चेक करिए। सामने मुक्तेश्वर घाटी है, मुक्तेश्वर जो टेम्पल है उसके आसपास के एरिया है, पूरा कोहरा टाइप लगा हुआ है और लगातार बारिश हो रही है रिमझिम वाली। काफ़ी शानदार वेदर बना हुआ है, रात से ही बारिश हो रही है बॉस, और जो ठंड हो रही है ना, अल्टीमेट ठंड हो रही है इस समय। रोडों पर भी देख सकते हैं बहुत पानी बह रहा है। तो मॉर्निंग का पीरियड है, सामने हमारी कसैली मार्केट। तो फाइनली फ्रेंड, हम लोग ना कसैली मार्केट से अब जा रहे हैं घर की तरफ को। बारिश हो ही रही है, छाता वाता लेके आए थे सुबह। ठंड तो बहुत है, बहुत प्यारा मौसम बना है आज मुक्तेश्वर क्षेत्र का, देख रहे हो। ये जो बारिश हो रही है ना फ्रेंड, ये बारिश हम लोगों के लिए बहुत मैटर करती है क्योंकि हमारी जो आने वाली फसलें हैं और जो इस समय फसलें हैं ना, उनके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। बहुत समय बाद फरवरी के महीने में, मानो मैं पिछले दिन भी वीडियो में बता रहा था ना कि ऐसा लग रहा है कि ठंड का सीज़न अब शुरू हो गया है, तो ऐसा ही फील हो रहा है। फरवरी के महीने में दूसरी बार है जो कि यहाँ पे बारिश हो रही है और आज तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। रोड में भी देखिए बहुत पानी भरा हुआ है। फ्रेंड, इस समय ना करीब 11 बजे का समय हो रहा है और फाइनली थोड़ी बहुत बारिश थमी हुई है। बाकी मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है। आज रात को बारिश होने और सुबह के समय से जो बारिश हो रही थी, तब से बारिश होने से जो माहौल बना हुआ है ना, जो सीन्स बन रहे हैं इस समय, काफ़ी बढ़िया शानदार से सीन्स बन रहे हैं। तो देखे दोस्तों आप लोगों ने नज़ारे, कमेंट कर बताना कैसे लगे पहाड़ों के ये नज़ारे। जब बारिश वाला सीन बनता है ना पहाड़ों में, तो पहाड़ों की जो सीनरी है ना, उसमें चार चांद लग जाते हैं। वो तो आजकल ठंड का सीज़न है, जिस समय बारिश वाला सीज़न होता है ना, यानी कि जुलाई अगस्त का मौसम होता है, ऐसे ही अगर बारिश हुई रहती तो चारों तरफ इतनी प्यारी हरियाली दिखती ना। आजकल तो सब घास वास काट ली जाती है, बहुत प्यारा सुहावना मौसम है। देखते हैं दोस्तों अभी से लेके शाम तक का मौसम कैसा रहता है। फ्रेंड्स, सबसे मस्त मौसम ना इस तरफ हुआ है, जो बादल हैं नीचे की तरफ को आ रहे हैं, यानी कि घाटियों के तरफ को आ रहे हैं, और ऊपर की जो चोटियां ना पूरी तरह ढकी हुई हैं। फ्रेंड, इस समय ना शाम के करीब 3:30 बजे का समय हो रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी तक मैं सोया हुआ था। खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम कर लिया क्योंकि बाहर तो सुबह से ही मौसम ख़राब है, रुक रुक के बारिश हो रही है। और इस समय इतना बढ़िया मौसम बना हुआ ना, मानो कि स्नोफॉल हो ही जाएगी। मैं चलता हूँ बाहर और आपको नज़ारे दिखाता हूँ। इतना प्यारा मौसम फरवरी के महीने में, दिल खुश हो गया मौसम को देख के। रुक रुक के बारिशें भी हो रही हैं और पूरा सीन ऐसा बना हुआ है जैसे कि स्नोफॉल हो ही जाएगी। स्नोफॉल जब भी होती है ना, स्नोफॉल से पहले हमेशा ऐसा मौसम होता है। क्या पता फरवरी के इस महीने में हमें स्नोफॉल देखने को मिल जाए और चारों तरफ के जो पहाड़ हैं वो बर्फीले हो जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार नज़ारा बाहर का। बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है और ऐसा मौसम देख के ना आपका दिल भी बहुत खुश हो जाएगा। दोस्तों ना, इस समय फिर से बारिश शुरू हो चुकी है और माहौल एकदम प्यारा बना हुआ है। सीन चेंज हो गया आज रात से बारिश होके।
खेतों को भी देखिए कितनी नमी मिल चुकी है। किसान भाई जो भी हैं वो सब खुश हो रहे होंगे इस बारिश से। हम सभी लोग, क्योंकि हम किसान खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, तो सभी लोग खुश हो रहे होंगे इस बारिश से। सीन पूरा ना बर्फबारी वाला बना हुआ है। अब देखिए क्या होता है इस बार। दोस्तों इस समय ना शाम के करीब 5:30 बजे का समय होने वाला है और अभी तक लगातार बारिश ही हो रही है रुक रुक के। इस समय भी हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और ठंड बढ़ चुकी है थोड़ी बहुत। बाकी जो बर्फ़ वाला सीन है अभी वैसा कुछ बना नहीं है, लगातार बारिश तो हो ही रही है। और सीन ये है ना, इसमें फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। इस तरफ को तो विकट ही मौसम हो रखा है। तो फ्रेंड फाइनली ना पहाड़ों पे, यानी कि हमारे एरिया मुक्तेश्वर क्षेत्र पे अंधेरा हो चुका है। लोगों की घरों के बाहर की लाइट जल चुकी है और बारिश थम चुकी है। बर्फबारी वाला सीन आज भी नहीं रहा, क्या पता रात को क्या हो, वो तो बात की बात है। फिलहाल जो इस समय का सीन्स है वो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड, अभी ना बारिश थमी हुई है, लोगों ने अपने घरों की जो लाइटें हैं वो जला दी हैं। रात को पता नहीं क्या हो, बारिश भी हो सकती है, क्या पता पाला भी गिर सकता है बहुत। अभी तो पूरी तरीके से बारिश रुकी हुई है। तो फ्रेंड इस समय ना ऐसा ही सीन है। अब देखते हैं रात को क्या कहता है मौसम। बारिश भी हो सकती है और मौसम कल बिल्कुल साफ, यानी कि धूप खिली भी मिल सकती है हम लोगों को। बाकी पूरे दिन आज मौसम ऐसा ही रहा, रुक के बारिश होती ही रही। अब देखते हैं क्या होता है, वो तो कल पता चलेगा। बाकी अपडेट मैं आपको ज़रूर कर दूंगा। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। मिलूंगा आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ का कैसा मौसम है वेदर को लेके वो भी अपडेट आपको करूँगा अपने वीडियो के थ्रू। तो इस वीडियो को करता हूँ यहीं पर एंड। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।